भाइयों और बहनों, भारत में, और ये भी शायद आप लोगों के लिए नई खबर होगी, भारत में 6 दशक बाद यानी 60 साल के बाद किसी सरकार को 5 साल का टर्म पूरी करने के बाद पहले से भी बड़ा मैंडेट मिला है। साल पहले एक बार ऐसा हुआ था, 60 साल के बाद यह पहली बार हुआ है। और इसकी वजह है, पिछले 5 साल में भारत की उपलब्धियां, लेकिन इसका एक अर्थ यह भी है कि भारत के लोगों की अपेक्षाएं और आशाएं और बढ़ गई है। जो काम करता है लोग उसी से तो काम मांगते हैं। जो काम नहीं करता है लोग उसके दिन गिनते रहते हैं, जो काम करता है उसे लोग काम देते रहते हैं। और इसलिए साथियों, अब हम उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए काम कर रहे हैं जो कभी असंभव लगते थे। सोच भी नहीं सकते थे, मान के बैठे थे तो हो नहीं सकता है। सभी इस बात से परिचित है कि आतंक और अलगाव के बीज बोने वाले एक बहुत बड़े कारण से देश को मुक्त करने का निर्णय भारत ने कर लिया। पता है क्या किया? क्या किया? थाईलैंड में रहने वाले हर हिंदुस्तानी को पता है क्या किया। जब निर्णय सही होता है, इरादा सही होता है, तो उसकी गूंज दुनिया भर में सुनाई देती है, और आज मुझे थाईलैंड में भी सुनाई दे रही है। थैंक यू। ये आपका स्टैंडिंग ओवेशन भारत की संसद के लिए है, भारत की पार्लियामेंट के लिए है, भारत के पार्लियामेंट के मेंबर्स के लिए है।
प्यार, आपका ये उत्साह, आपका ये समर्थन हिंदुस्तान के हर पार्लियामेंट मेंबर के लिए बहुत बड़ी ताकत बनेगा। मैं आपका आभारी हूं, आप विराजिए। थैंक यू। साथियों, हाल में ही गांधी जी की 150वीं जयंती पर भारत ने खुद को ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित किया है। इतना ही नहीं, आज भारत के गरीब से गरीब का किचन धुएं से मुक्त, स्मोक फ्री हो रहा है। 8 करोड़ घरों को हमने 3 साल से भी कम समय में मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन दिए हैं। 8 करोड़, यह संख्या थाईलैंड की आबादी से भी बड़ी है। दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम आयुष्मान भारत आज करीब 50 करोड़ भारतीयों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की हेल्थ कवरेज दे रही है। अभी इस योजना को अभी 1 साल पूरा हुआ है, लेकिन करीब 60 लाख लोगों को इसके तहत मुफ्त में इलाज मिल चुका है। इसका मतलब यह हुआ कि अगले 2-3 महीनों में यह संख्या बैंकों की कुल आबादी से भी ज्यादा हो जाएगी। साथियों, बीते 5 सालों में हमने हर भारतीय को बैंक खाते से जोड़ा है, बिजली कनेक्शन से जोड़ा है, और अब एक मिशन लेकर के हम चल पड़े हैं, हर घर तक पर्याप्त पानी के लिए काम कर रहे हैं। जब हिंदुस्तान आजादी के 75 साल मनाएगा, 2022 में भारत की आजादी के 75 साल हो रहे हैं, 2022 तक हर गरीब को अपना पक्का घर देने के लिए भी पूरी शक्ति के साथ प्रयास किया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि भारत की इन उपलब्धियों के बारे में जब आप सुनते होंगे तो गर्व की अनुभूति और बढ़ जाती होगी।